सबसे पहला है रिडक्शंस फॉर हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन सिलेक्शन के हवाले से। सिलेक्शन के हवाले से सबसे पहले कंसीडर करते हैं कि एक क्यूरी है कि जहां पर हम लेते हैं सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नंबर इज इक्वल टू ई फाइव, यानी कि उसकी रोज के मुताबिक ई फाइव में वो नंबर लेना है जहां पर ई नंबर ई फाइव हो। और इसके बाद क्योंकि आप जब ये हम बेसिकली सिलेक्ट कर रहे हैं और सिलेक्शन जो है इसी तरह क्यूरी के जरिए की जाती है, हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन की रिडक्शन जो है इसी तरह हम काम कर सकते हैं कि आफ्टर कंप्यूटिंग द सिलेक्शन विद द यूनियन ऑपरेशन। और ये किस तरह की जाती है, आपने जब भी सिलेक्शन करनी है और सिलेक्शन में आपके पास जो भी एम्प्लॉयज जो आपने छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तब्दील किया होते हैं अपने डेटा लोकलाइजेशन को, जिसमें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एम्प्लॉई को आगे फर्दर तीन एम्प्लॉय में डिवाइड कर दिया था और असाइन को आगे फर्दर दो असाइन में डिवाइड कर दिया था। बेसिकली डेटा लोकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी यही है। तो हमने बेसिकली उसकी रिडक्शन हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन की रिडक्शन कैसे करनी है, हमने सिलेक्शन का ऑपरेशन अप्लाई करना है और उसमें यूनियन का ऑपरेशन के साथ सिलेक्शन करनी है। बेसिकली हम यूनियन ऑपरेशन के साथ सिलेक्शन कर रहे होते हैं। इस यूनियन से फ़ायदा हमें ये होता है कि हमें वो सिलेक्शन को डिटेक्ट करना इजी हो जाता है, उसमें कौन कौन से प्रेडिकेट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एम्प्लॉय वन एम्प्लॉय थ्री और इसके दरमियान क्या क्या कंसीडर किया जा रहा है। बेसिकली आपके पास जो सिलेक्शन ई नंबर इज इक्वल टू ई फाइव जो कि आपके पास वेयर कंडीशन में मौजूद थी और आपके पास हमने वहाँ पर आपको मैंने अभी बताया कि वहाँ पर हमने कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है, यूनियन का यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करना है। और इसमें जो भी आपके पास एम्प्लॉयज थे, जो ए एम्प्लॉयज वन एम्प्लॉयज टू एम्प्लॉयज थ्री, इनके दरमियान आपने यूनियन का ऑपरेशन लगाना है। और यूनियन का ऑपरेशन लगाने के बाद ये आपको कम्बिनेशन बताएगा कि इसमें किस में डाटा था और किस में डाटा नहीं था। तो जिसमें डाटा था उसकी सिलेक्शन हो जाएगी, जिसमें डाटा नहीं होगा उसमें उसकी सिलेक्शन नहीं होगी। ये फर्दर आपको एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल भी है और फ्रेगमेंटेशन पे भी कुछ एमपीज होते हैं, उनको कैसे टैकल किया जाता है ये फर्दर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना ही बात है कि आपने हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन को सिलेक्शन के थ्रू करना है और सिलेक्शन किसके थ्रू करनी है, यूनियन ऑपरेशन के थ्रू। आपके पास जो भी क्यूरी होगी आप उस पर यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करके उसमें मौजूद जितने भी प्रेडिकेट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसमें मौजूद उसको डिटेक्ट करना और उसमें मौजूद प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना और उसमें जो इश्यूज क्रिएट होते हैं उसको डिटेक्ट करके बाद रिजॉल्व करना, बेसिकली ये हमारा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है रिडक्शंस ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन बाय ज्वाइन। ज्वाइन के जरिए हम कैसे अपनी हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन को कम कर सकते हैं। ज्वाइंस आर हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंटेड relations can be simplified when the joins relations are fragmented according to the join attribute. अगर हम joins fragment horizontal fragmentation relations को और ज़्यादा simplify कर सकती हैं joins के साथ, और जब हम दो ये दो से relation में दो ये दो से ज़्यादा relations को जो कि हमने fragment किए होते हैं उनको join करते हैं join attribute के साथ, तो हम उसको concept है हमारा horizontal fragmentation by joins। हम उसको वहाँ पर easily detect कर सकते हैं। जब easily detect कर सकते हैं तो हम उसमें मौजूद जितने भी आपके पास जो भी queries हैं जिसमें issues आ रहे हैं उसको resolve किया जा सकता है। Basically distribute joins union के ऊपर ही लिया जाता है, ठीक है, और selection भी join आपके union के operations पर भी लिया जाता है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि horizontal fragmentation का ज़्यादातर concept जो है वो टपल के तौर पर होता है और हमने उसमें जो क्राइटेरिया लेना है वो हमने इसी तरह लेना है कि हमारा पास जो भी क्राइटेरिया हमारे पास मीट कर रहा है वो यूनियन के ऑपरेशन से ही हमने इसको मीट करना है। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे पास अगर एक दो या दो से ज़्यादा रिलेशंस हो, जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है आर वन एक रिलेशन, आर टू दूसरा रिलेशन और इसका आपने यूनियन ले लिया। जब आपने इन दोनों का यूनियन ले लिया तो आपके पास जो क्राइटेरिया है इसको आपने जो भी आपके पास एस स्टेटमेंट है या एस क्यूरी है उसके साथ उस रिलेशन का ज्वाइन करवा देना।
जब ये ज्वाइन करवाते हैं तो इसका कम्बिनेशन होता है एस एक दफा आर के साथ भी ज्वाइन होता है और एस एक दफा आर टू के साथ भी ज्वाइन होता है और इन दोनों के दरमियान यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई होता है। ये है बेसिकली ज्वाइन का ऑपरेशन जो कि हॉरिजेंटली हम इसको कवर कर रहे होते हैं, इसको कहते हैं हॉरिजेंटल रिडक्शंस ऑफ फॉर हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन बाय ज्वाइंट्स। कि आपने जो रिलेशंस आपको मौजूद दिए गए होते हैं, जो आपको फ्रेगमेंट किए गए होते हैं, आप उनका बेसिकली यूनियन लेते हैं और उसका किसी के साथ ज्वाइनिंग ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं जो कि नेचुरल ज्वाइंट्स के मुताबिक होता है। ज्वाइंट्स बेसिकली एक टेबल को, एक टपल को दो ये दो से ज़्यादा टपल्स को एक टेबल में दूसरे टेबल के तमाम उसके एटीट्यूड्स के साथ रिलेट करवाना होता है। उसमें कुछ चीटा ज्वाइंट्स भी होते हैं, एक्वी ज्वाइंट्स भी होते हैं, नेचुरल ज्वाइंट्स होते हैं, आउटर ज्वाइंट्स होते हैं। तो नेचुरल ज्वाइंट्स के मुताबिक इनके रिलेटिव जो भी हमारे पास रिलेशंस हैं उसको सिर्फ हमने लेना है, बाकियों के नहीं लेना। तो ये रिडक्शन फॉर हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन थी ज्वाइंट्स के हवाले से।